हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना है। वेलकम टू माय चैनल रीना की रसोई। सबसे पहले सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आज हम गुलगुले बनाएंगे, इसे मीठा पकौड़ा भी कह सकते हैं। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। मैंने गेहूँ का आटा लिया है, इसमें बारीक कटे हुए बादाम, काजू और नारियल डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हम इसमें गुड़ मिलाएंगे। गुड़ को मैंने पानी में घोल लिया है। गुड़ के पानी को धीरे धीरे करके मिलाएंगे। जिस तरह से पकौड़ों के लिए बैटर होता है उसी तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इसे हम एक घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटे बाद यदि ये बैटर गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा पानी मिला दें। जिस तरह से हम पकौड़ों को फ्राई करते हैं उसी तरह से इन्हें भी फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम होना चाहिए। यदि फ्लेम धीमी होगी तो ये फूलेंगे नहीं। फ्राई होने के बाद इन्हें किचन टॉवल में निकाल लेंगे। सभी को हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। इन्हें 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सारे गुलगुले हमने फ्राई कर लिए हैं। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।